मोदी सरकार 2 के एक साल की उपलब्धियां बताने के लिए बीजेपी पूरे देश में वर्चुअल रैलियां कर रही हैं। वहीं प्रदेश में 14 जून को होने वाली रैली को लेकर भाजपा अपनी तैयारियों में जुट गई है। ये रैलियां डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से होंगी, लेकिन इसका लुक सामान्य रैली की तरह रहेगा। इसके लिए भाजपा मुख्यालय में मंच बनाया जा रहा है। मंच पर एक बड़ी LED और सामने छोटी छोटी LED लगाने के साथ ही पार्टी के होर्डिंग्स लगाए गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दिल्ली से रैली को संबोधित करेंगी। देखिए, वर्चुअल रैली की तैयारी आप देख ही रहे हैं। इसमें 3 फेज में रैली होगी। एक माने स्मृति ईरानी जी दिल्ली से जुड़ेंगे, हमारे प्रदेश के नेता यहाँ से जुड़ेंगे, और फेसबुक लाइव है, यूट्यूब चैनल है, प्लेटफॉर्म जो सिस्को प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से पूरी रैली चलेगी। यहाँ भी हमारे कुछ कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए बैठेंगे, और जैसे एक सामान्य रैली होती है उस सामान्य रैली का सा वातावरण बनाने की हमने कोशिश की है। ये आप सामने जो LED देख रहे हैं, इसमें जो मंच के ऊपर जो वक्ता बैठेंगे उनको ये देखने के लिए सारा विषय रहेगा। तो एक प्रकार का जो सामान्य रैलियां जो अपन करते थे वैसा सा लुक आगे बाकायदा, वैसा ही हम बाहर की सजावट होगी, वैसे ही एकदम एंट्रेंस होगी, उसी प्रकार से स्वागत होगा, उसी प्रकार से सारी चीज़ें चलेंगी और उसी प्रकार से लाइव भाषण के रूप में चलेंगे। और आपने देख ही रहो कि हमारे ये 3 रैलियाँ राजस्थान में प्रस्तावित है। 14 तारीख को जयपुर की है, 20 तारीख